भाइयों, आज हम मृत्यु भोज पर बहुत सारे फिल्मी हीरो के साथ चर्चा करेंगे। फिल्मी हीरो में सबसे पहले अमरीश पुरी जी, गुलशन ग्रोवर, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, संजय दत्त, एके एंगल, राजकुमार, आप सबके सामने इनके साथ चर्चा करेंगे। राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राम राम डरते मन, राम राम। हसा अब उनकी तरफ से भी सभी को राम राम। आहो शक्ति का राम राम। ए मामू राम राम नहीं। पापा मेरी तरफ से भी राम राम। हाँ बेटे सही कहा, लव यू माय सन। हे भाइयों मुझे भूल गए, मैं भी तो स्टार हूँ यार, मेरी तरफ से भी सभी को राम राम। अरे भाई कोई बताएगा भी हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? जी अमरीश पुरी जी, हम यहाँ मृत्यु भोज पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या मृत्यु भोज सही है? अरे नारायण मृत्यु भोज तो सही है गन्ना चोस का, क्यों सकते। आहो अरे भैया जब तक यह मृत्यु भोज चालू रहेगा हम जैसों की दुकानें चालू रहेगी। इन गरीबों को गरीब रहने की कुरीति यह बंद नहीं होनी चाहिए। ए मामू तुम सेठ लोग तो मृत्यु भोज करता नहीं है और साला गरीब लोगों को मृत्यु भोज करने के लिए उकसाता रहता रही कहीं को। अरे भाई तो इसमें गलत क्या है, गरीब तो गरीब ही रहना चाहिए। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की और अब हम जैसे सेठों की कर रहे हैं। अगर ये सब गरीब नहीं रहेंगे तो हम जैसे ब्याज खोरों का हिसाब कैसे चुकता होगा। हा 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 हा। अपनी जुबान को लगाम दो अमरीश पुरी, क्योंकि गरीब अब शिक्षित हो चुका है। मांगीलाल जी खेले की बातें अब सबके समझ में आने लगी है, क्यों बेटा सनी सही कहा ना? हाँ पापा, नारायण ने मुझे सब बता दिया है, सब बता दिया है पापा। मुझे भी तो बोलने का मौका दो यार, मैं भी तो स्टार हूँ ना। ए मामू जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलने का, तेरे को मालूम नहीं क्या ये सर्किट लगा रहा इसको दो। मैं समझ गया, मैं आप सभी के लिए चाय बना के लाता हूँ, कान पे बजाने की जरूरत नहीं है, आ रहा हूँ। ये मृत्यु भोज का समस्या तो अब उनका कच्ची बस्ती में भी बहुत था, सारा जड़ से उगाड़ के फेंक दिया भाई। अब उन नारायण बदाला के साथ है, क्या बोलता है? धन्यवाद मिथुन जी। अरे एक कच्ची बस्ती में मृत्यु भोज क्या बंद हो गया, तुम तो अपने आप को भारी समझने लग गए हो। अब तो मृत्यु भोज पर लोगों की ऐसी डांट जम चुकी है कि अब तो यह बंद हो ही नहीं सकता। ठाक चिकी हम जैसे विलन तो हर गांव में बैठे हैं मृत्यु भोज पर गुलाब जामुन खाने के लिए, हम जैसों का कुछ नहीं हो सकता। और जब तक यह मृत्यु भोज चलेगा ना हम जैसे वहां पर बैठे रहेंगे बैड में गन्ना चूस कर। मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मृत्यु भोज गलत है ना, गलत है ना। कर्ण अर्जुन पिक्चर तो आपने भी देखी होगी, देखी थी ना, मेरे पापा को अमरीश पुरी ने मारा था, मृत्यु भोज किया नहीं ना, तो क्यों गलत है मृत्यु भोज? अब चुप हो जा मामा बकरी, वरना टार्टी माइंड गरम बजा दूंगा। ए मामू चाय तो पिला के जा रही। जानी मृत्यु भोज अपने हिंदू धर्म में पाप है और कानून में भी गलत है, आप मृत्यु भोज नहीं कर सकते, यह हम कह रहे हैं। बोल तो ऐसे रहा है जैसे सचमुच का राजकुमार हो। जानी हम कल भी राजकुमार थे और आज भी राजकुमार है, क्योंकि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। नारायण तू लगा रहे इस आंदोलन में, हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों बेटा सनी? हाँ पापा हम साथ हैं। आप सब हमारे साथ हो, आप साथ हो, आप साथ हो, और सबको पता है कि हीरो होता है वो अच्छा काम करता है, विलन होता है वो हर फिल्म में पिटता है और उसका अंत होता है। तो आप सब जानते हो मृत्यु भोज
एक विलेन जैसा काम है, उसको करवाने वाले एक विलेन जैसे हैं, तो आप सब लोग हमारे साथ हो, खुशी की बात है। अब जानते हैं एके एंगल साहब ये क्या कहते हैं, आपसे भी जानकारी लेते हैं। अरे बेटा, मरने के बाद मिठाई खिलाने से माँ बापों की सेवा कैसे होती है, मुझे तो आज दिन तक समझ नहीं आया। आज मेरे तीन बेटे हैं, तीनों ही अलग अलग रहते हैं, मुझे कुछ सामान चाहिए तो दस दस बार मांगना पड़ता है, फिर भी मिले या ना मिले। और मेरे बेटे तो कहते भी हैं कि बापू, तेरे मरने के बाद हमें दिखावा करना ही पड़ेगा, मृत्यु भोज में 3-4 लाख रुपए तो वैसे ही लग जाएंगे। भाई मुझे तो जरूरत अभी है, मेरे मरने के बाद तुम लोग मिठाई खिलाओगे, कमाल है भाई। मैं तो इस नारायण को धन्यवाद दूंगा कि लोगों के इतने ताने सुनने के बाद भी इस आंदोलन को चला रहा है। अरे नारायण, मांगीलाल जी खेड़िया के सपने को तुझे और तेरी टीम को साकार करना है भाई। भाई अब इस बूढ़े की तो यही इच्छा है कि मृत्यु बोझ बंद कर दो, अगर माँ बाप की सेवा करनी है तो उनके जीते जी करो, मरने के बाद तो कोई कहीं कुछ नहीं मिलता मेरे भाइयों। अच्छा भाइयों, मेरे चलने का समय हो गया है, अब मेरे बेटे तो है नहीं, मुझे मंदिर जाना है। बेटा सनी, तू ही मुझे मंदिर छोड़ दे। और एक बात और कहूँगा, करना है तो माँ बाप के जीते जी सेवा करो, मरने के बाद नहीं। मृत्यु बोझ बंद करो, बंद करो। आपके सामने ये वीडियो भाई के हौसले को बढ़ाने के लिए और मृत्यु भोज के आंदोलन को सक्सेस करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और अपनी राय दें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।